चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं चिकन चपली फ्राई। चिकन चपली फ्राई क्यों है ये? क्योंकि चपली कबाब मसाला पाउडर जो है हमारा जो समीनाज किचन टिप्स चैनल है दूसरा वाला उस पर डला हुआ है, उससे हमने चपली कबाब बनाया, फिर वही मसाला डाल के हमने चिकन फ्राई बनाया, वो जो लाजवाब बना। हमने सोचा हमारे व्यूवर्स को भी इसका मजा चखना चाहिए, तो आप इसको जरूर से फॉलो करें। हमारे पास आधा किलो चिकन है, हमने उसको धो लिया है, जो ज्यादा बड़े पीस हैं हमने इस तरीके से कट लगा दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें डालते हैं जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देते हैं ये गार्लिक पेस्ट और 2 चुटकी हम इसमें डाल देते हैं ये हल्दी पाउडर और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये चपली कबाब मसाला पाउडर। हम ये पूरा 1 टेबल स्पून घर के डाल देते हैं, 2 चुटकी और डाल देते हैं, घर का है मार्केट से तो लाना ही नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए 2 चुटकी और डाल दिया। बस इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे और हम इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी ये गरम मसाला। वैसे तो हमारे चपली कबाब में गरम मसाले के करीब करीब सारे ही इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर 2 चुटकी डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देते हैं और वहीं आप देखेंगे हमारे पास है ये 2 टेबल स्पून बेसन ये डाल देते हैं और 2 ही टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लावर है तो ये भी डाल देते हैं। ये दही ले लेते हहैं, फैटा हुआ दही है, 3 से 4 टेबल स्पून ले लें, बस इतना भी पतला ना हो जाए कि ये बैटर जो चिकन के पीसेस हैं उससे टपकने लगेगा तो सही नहीं रहेगा। अब हम इसे करते हैं सबसे पहले मिक्स कर दिए हैं, लेकिन इसका ऐसा कलर आया जो कि बिल्कुल सही नहीं दिख रहा था, तो इस वक्त हम इसमें इस वक्त आप चाहें तो इसको यूं ही रख दें 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद फ्राई कर लें, लेकिन हम इसके अंदर डालते हैं 2-3 चुटकी ये फूड कलर, फिर इसको मिक्स करते हैं और फिर रखते हैं, उससे जरा क्या होगा फ्राई का बढ़िया सा कलर आ जाएगा। हमें यही कलर चाहिए था, हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए, करते हैं फ्राई, दिखाते हैं आपको। ऑयल हमने फुल फ्लेम पर गरम होने रख दिया था, जब यह गरम हो गया अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है और हमारे चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें से ये बड़े बड़े पीस उठा कर डालते हैं। चिकन फ्राई करते समय आप बड़ा ध्यान रखें, एक दफा में आप छोटे पीस डाल रहे हैं तो उसके साथ सब पीस छोटे ही डालें, बड़ा पीस डाल रहे हैं तो उसके साथ सारे पीस आप बड़े ही डालें। तो हम ये बड़े बड़े पीस पहले डाल देते हैं, आधे चिकन से थोड़ा ज्यादा हमने डाल दिया है एक दफा में, सिकने देते हैं हम इसको एक साइड से कम 4 मिनट के लिए बिना चलाए। 4 मिनट हो गई हैं जो सबसे पहले पीस डाले हैं, देखते हैं हम उसको पलट के। चिकन फ्राई करते समय बड़ा ध्यान रखें आप कि आपके चिकन का जो बैटर है बहुत पतला तो नहीं हो गया है, फ्लेम का भी बड़ा ध्यान रखें, डालने के बाद बहुत जल्दी चलाना भी शुरू ना करें, उससे भी आपका ये मसाला हट सकता है। फुल फ्लेम पर गर्म किया था, मीडियम फ्लेम पर कर दिया था, अपने चिकन के पीसेस डालने के बाद हमने फिर फुल फ्लेम कर दिया है और अभी भी हमारा फुल ही फ्लेम है। हमने सारे पीस पलटने दिए हैं, इधर से भी सिकने देते हैं 3 से 4 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट हो गई हैं और ये हमें ऐसा ही चाहिए था, एकदम क्रिस्प। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पीस इसके अंदर यही है, ये खुद ब खुद बोन से अलग होने लगा है, ये भी बोन से अलग होने लगा है, इसके गलने की सबसे बड़ी पहचान तो बस यही है। दूसरे जो पीस बचे हैं हमारे वो भी हम डालते हैं, इतनी ही देर फ्राई करते हैं और उनको भी निकाल लेते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हमारे सब पीस फ्राई होकर तैयार हैं, एक दफा का ये वाला, छोटे पीस जो हैं वो इस वाले से थोड़ा सा कम देर के लिए हमने फ्राई किया है, लेकिन ये भी एकदम से तैयार है। देखें आप चाहें तो इसपे 1 चुटकी हमारा जो होममेड चाट मसाला पाउडर है वो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप ये जरूर से बनाएं। सिर्फ 1/2 किलो चिकन है और दस्तरखान इससे एकदम से भरपूर हो जाएगा, तो जरूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।